मरहम लगाओ साधो। स्वर्ण मंदिर में फौज के जाने से सरकार भी दुखी है, खुद फौज दुखी है, हम साधु दुखी हैं और आम तौर पर सब भारतीय दुखी हैं। मगर सवाल ये है कि फौज को बुलाया किसने, किसके निमंत्रण पर फौज वहाँ गई, किन लोगों के कारण फौजों को वहाँ जाने पर मजबूर होना पड़ा। इसका सीधा जवाब है स्वर्ण मंदिर पर जिन्होंने कब्जा कर लिया था और जिनके हुक्म से पंजाब में उन्मादी सिख युवक चाहे जिसकी हत्या कर रहे थे। उन नेताओं ने फौज को बुलाया जो ये मानने लगे कि इस देश में रहकर भी हम इसके नियम कानून संविधान नहीं मानेंगे, हम इस देश की सरकार को भी नहीं मानते, हम पुलिस को नहीं मानते, हम न्यायालय को भी नहीं मानते। इन लोगों ने फौज को बुलाया, इनके कामों के निमंत्रण पर फौज गई और इतने फौजी मारे गए जितने भारत पाकिस्तान युद्ध के एक मोर्चे पर मारे जाते हैं। हर मंदिर साहब से गोलियां चलती रहीं और फौज के सिपाही मरकर या घायल होकर गिरते रहे। एक गोली भी उन्होंने नहीं चलाई क्योंकि उन्हें स्वर्ण मंदिर की पवित्रता का ख्याल था। अगर वो पवित्रता का ख्याल नहीं होता तो कुल 30 मिनट का काम था सफाया करने का। फौज के पास बड़ी तोपें और टैंक भी थे। साधो, अगर किसी मंदिर में भक्त भगवान राम की प्रार्थना करने जाएं और उनकी गर्दन काट ली जाए तो वो मंदिर नहीं बूचड़खाना हो गया। अगर मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ने जाए और उसे छुरा घुसेड़ दिया जाए तो वो मस्जिद नहीं वो मक्तल हो गया। अगर गुरुद्वारे में सिख मत्था टेकने जाए और उसे गोली से उड़ा दिया जाए तो वो गुरुद्वारा कहाँ रहा, वो कत्लगाह हो गया। उसकी क्या पवित्रता, उसकी पवित्रता तो उन्हीं संतों और नेताओं ने नष्ट कर दी जो बंदूकें बम बारूद लिए बैठे हैं और पवित्रता की आड़ में छिपे रहकर हत्या करवा रहे हैं। साधो, अब तो सिख भी स्वर्ण मंदिर जाने में डरते थे, वहां सिख भी मार डाले जाते थे। कई शरीफ धार्मिक सिखों ने अखबारों में बयान दिए कि अब तो हमें गुरुद्वारा जाते भी डर लगता है, किसी को भी तो ये लोग मार डालते हैं। साधो, इन लोगों ने जो संत और नेता कहलाते थे स्वर्ण मंदिर को अपवित्र कर दिया था। जो सिख अब पवित्रता भंग के नाम पर काली पगड़ी पहन रहे हैं, काले पट्टे लगाए हैं, उन्हें तब काली पगड़ी पहनना था। शोक दिवस वे ही थे मगर तब वे चुप थे। साधो, सिखों का इतिहास है कि उन्होंने कमजोरों, दीनों, पीड़ितों और बेकसूरों पर अत्याचार करने वालों का सिर काटने के लिए हमेशा तलवार निकाली। वही सिख बस रोककर बेकसूर मुसाफिरों को गोली से भून रहे थे, स्त्री और बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे, राह चलते आदमियों को गोली मार देते थे, गांव के चौपाल पर बैठे किसानों को गोली से भून देते थे। एक स्त्री को गोली मार दी जिसकी गोद में 9 महीने का बच्चा था। तब सिखों ने शोक क्यों नहीं मनाया, तब काली पगड़ी क्यों नहीं पहनी, तब क्यों नहीं गुरुद्वारों में प्रस्ताव पास करके इनकी निंदा की? क्या सच्चे सिख इस भेड़िए जैसे कुकर्म को धर्म और पंथ की रक्षा के लिए उचित मानते थे? पंजाब के बाहर जो ये काली पगड़ी बांधकर विरोध प्रकट कर रहे हैं, अगर उनके साथ दूसरे लोग पंजाब सरीखा करने लगे तो क्या वो उचित होगा? जो पंजाब में धार्मिक और पवित्र हिंसा है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में धार्मिक और पवित्र क्यों नहीं होगी? है कोई तर्क? तर्कों को तो दफना दिया गया और पागलपन तर्क बन बैठा। साधो, भारत सरकार क्या करती? क्या इंदिरा घोषणा कर देती कि इस देश में कोई सरकार नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है, अब हर राज्य में जो जिसकी चाहे हत्या करे, अब हम हत्या या किसी भी अपराध की छूट हर भारतीय नागरिक को दे देते हैं? अगर ऐसा होना पंजाब में जायज है तो बिहार और मध्य प्रदेश में भी, और अगर इसे पंजाब में रोकना धर्म पर हमला है तो बाकी भारत में रोकना भी धर्म पर हमला है। ये तर्क की बात है। क्या ये तर्क
उपद्रव पर उतारू सिखों को समझ में आता है? अगर आता है तो अपने भविष्य पर गौर करें। साधु, हम इन शोक मना रहे उत्तेजित सिख भाइयों से कहते हैं कि जो ये हो रहा है उसकी योजना अमृतसर में नहीं वॉशिंगटन में बनी है। ये गुप्त योजना गुप्त नहीं CIA की है, वो अमेरिका के अखबारों में भी छप चुकी है। उस योजना में यही है, सारे भारत में हिंसा और अराजकता फैलाना, क्षेत्रीयता को बढ़ाना, देश के टुकड़े टुकड़े कर देना। इसके लिए अरबों डॉलर गुप्त रूप से इस देश में आ रहे हैं। विदेश में खालिस्तानी नेता डॉक्टर जगतजीत सिंह वगैरह अमेरिकी पैसा खा रहे हैं और यहाँ के सिक्कों को भड़का रहे हैं। सारा षड्यंत्र पाकिस्तान और चीन के मार्फत हो रहा है। जम्मू में सिखों ने नारे लगाए, खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, दोनों एक साथ जिंदाबाद। साधो, अब जनरल ब्रार कहते हैं कि स्वर्ण मंदिर अहाते में बिल्कुल आधुनिक विदेशी हथियार मिले, वही हथियार मिले जो अमेरिका ने अफगान विद्रोहियों को पाकिस्तान के मार्फत दिए हैं। ये बात कोई राजनेता नहीं बोला, राजनेता झूठ भी बोल जाता, मगर ये बात एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल ने कही है, इसलिए सही है। सवाल है कि अकाली नेता और संत भिंडरवाला हमारे देश के दुश्मनों से मदद क्यों ले रहे थे, उनके लिए हथियारों का क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? कोई भी सिख अपनी आत्मा पर हाथ रखकर अपने आप से पूछे कि क्या ये देशभक्ति है? अगर नहीं है तो क्या है? कुछ और है। इस कुछ और की सजा दुनिया के किसी भी देश में क्या होती है? साधु, हम तो सबका भला चाहते हैं, सिख भाइयों से कहते हैं कि दिमाग को ठंडा करके सोचो। पंजाब का तो आधा सा नाश वे लोग कर चुके थे, उसे ठीक करना है, मगर बाकी देश में अमन चैन भाईचारा होना चाहिए। साधु, साफ बात यह है कि ये लोग पाकिस्तान और चीन की मदद से बांग्लादेश जैसा करना चाहते थे। पूरी योजना 1971 के बांग्लादेश संघर्ष की थी, उसी मेजर जनरल ने जिसने बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण दिया था, सिख युवकों के भी मुक्ति वाहिनी बनाई थी, बहाना बनाकर पाकिस्तान और चीन उनकी मदद के लिए घुसते। ये योजना नाकाम कर दी गई। इस पर सिखों को, अगर वे भारत के नागरिक हैं, शोक मनाने और काली पगड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। ऐसा करना अपनी वफादारी पर शक पैदा करना होगा। कभी कभी बुद्धि से भी काम लिया जाता है।